उस दिन हमारा इंडिया को जाकर हरा दिया, यहाँ मैच में जाकर कोई जोड़ी था मैच मैच में कहा इंडिया इंडिया तो परफॉर्मेंस आ रही है। मणिपुर में इतना मार हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है यहाँ का खबर नहीं लिया, आठ आठ घंटे तू मैच में जाकर पनौती फैला के पूरा हमारा इंडिया राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, ठीक तीन तलाक का खत्म कर दिया, हलाला खत्म कर दिया, हलाला तलाक खत्म कर दिया ना। पब्लिक के मुंह से सुना जा रहा है इस बार एक बार राहुल गांधी को चांस दिया जाए, राहुल गांधी को चांस दिया जाए इंडिया गठबंधन कांग्रेस। राहुल पप्पू है उसे कुछ पता भी है क्या होता है, उसे बोलना नहीं आता, वो यहाँ अपने विदेश में जाके हमारी बेइज्जती करता है। रोजगार के रोजगार मिलते तो पटरी में बैठ के चाय थोड़ी बेचते हैं। वो तो कह रहे हैं कि भैया पकौड़ा वकौड़े तलो, आपने सुना होगा पिछले कहीं। अरे पकौड़े तलने वाले तो पता नहीं क्या कितने आए कितने चले गए, पकौड़े तल के क्या होगा, आज तक पढ़ाई लिखाई करके रोजगार नहीं मिला, पटरी में बैठ के चाय बेच रहा। झगड़े होते थे, हाईवे बनवा दिए, 15 एम्स बनवा दिए। तो आज हम पब्लिक रिव्यू लेने आ गए हैं दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से, और आज हम दरअसल चाय पर चर्चा करने वाले हैं। और आज आज सबसे पहले भैया एक चाय बना दो जरा, देखें आपकी चाय कैसी है। बढ़िया है चाय, बढ़िया बन रही है, बढ़िया होगा जी चाय, बढ़िया होगा, बढ़िया बढ़िया चाय। कितने लोग आ जाते हैं, कैसा काम चल रहा है। काम ठीक ही है, देखो खाने पीने का काम तो ठीक ही होता है, कभी भी खाने पीने काम में तो नुकसान तो है नहीं, नुकसान नहीं हो रहा, सब बढ़िया चल रहा है, जो प्रॉफिट में दाल रोटी तो चलता है। अच्छा ये बताओ 9 साल में सरकार की चाय कैसी है, खट्टी है मीठी है, ज्यादा मीठी है, कैसी रही। देखो ना ही खट्टा है ना ही मीठा है, या तीखी चाय है मसाला चाय। नहीं मसाला चाय तो नहीं है, चाय नॉर्मल है। सुनने में तो ये आता है कि मोदी चाय बेचने वाला था, चाय बेच के प्रधानमंत्री बना, लेकिन 9 साल तक तो मेरे नजर में तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि मतलब कोई इस पे चवासी देगा या कोई नाम कर रहा हो। अच्छा सारे बिकाओ वाला काम किया, जो भी काम किया है जैसे नाम बदलने वाला काम किया, कहीं का भी नाम बदलने के लिए आगे है, चाहे कोई भी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे योगी हो, नाम बदलने के लिए आगे है। और मतलब कोई ऐसा काम नहीं है कि बड़ा हॉस्पिटल बनाया या बड़ा कोई फ्लाईओवर बनाया, कोई बड़ा ऐसा कोई काम किया। हमारी नज़र में तो देखो सरकार ठीक है, लेकिन जो काम कर रहा है काम ठीक नहीं कर रहा है। अच्छा आपको लग रहा है काम सही नहीं कर रहा सरकार ने, लेकिन सरकार ठीक है। हाँ, लेकिन है, नाम बदले गए हैं जो इनके नीचे है ना, उनको करने नहीं देते हैं, उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए। अच्छा क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्या करना चाहिए। काम तो बहुत करना चाहिए, देखो काम तो बहुत होते हैं, जैसे हॉस्पिटलों में चाय देंगे आपको, ये लीजिए, चाय मीठी पीना है फीकी पीना है। चाय देंगे, आप बताओ कैसी, जैसी सरकार ने आपको चाय पिलाई है ना पिछले 9 साल में, वैसी हमें चाय पिलाओ, वैसी चाय पिलाएंगे। चलो आप देखें मीठी पिलाओगे, मसाला पिलाओगे, फीकी पिलाओगे, फीकी मीठी पिलाएंगे, मीठी पिलाएंगे। लेकिन 9 साल फीके रहे आपके हिसाब से। जी 9 साल तो हमारे हिसाब से फीका ही रहा, और आने वाला जो 24 में इलेक्शन है तो चेहरा तो ऐसे इनके सामने तो कोई नहीं, अगर विपक्ष चाहेगा, अगर जनता के आँख खुल चुका है, अगर जनता ने चाहेगा तो इसको हटाना चाहेगा, राहुल गांधी को बिठाना चाहेगा। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको। जी जी अच्छे हैं, देखो कोई उनकी अच्छा अच्छाई क्या है। अच्छाई बहुत है, देखो हमारे लिए क्या, हम गरीब है, सुबह उठते हैं दाल रोटी के लिए निकल पड़ते हैं, हमें कौन पूछता है, हमें कोई पूछने आता है, जो सरकार है, जो छोटे छोटे बंदे हैं, जो ये सबको कौन पूछता है, कोई पूछता है नहीं पूछता है, ये सब राजनीति में पड़ा रहता है, कोई एक बात हुआ विवाद हुआ चाहे छोटे घर से बड़े घर से राजनीति में फंसा देता है। अच्छा नहीं ये सब बात नहीं होना चाहिए, सरकार अपनी जगह पे काम करे ठीक करे। हमें आपके हिसाब से जब आप वोट देने जाओगे कौन कौन से मुद्दे होंगे आपके। देखो मुद्दा तो कुछ नहीं होगा, हमारे तो पहले भी बाप दादा ने भी कांग्रेस करके आया, आज भी हम कांग्रेस कर रहे हैं, आगे भी कांग्रेस ही करेंगे, और यही कहेंगे आगे कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस को ही वोट दो आप ये कहोगे। कांग्रेस ही अच्छा है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में आपके हिसाब से काम किया है। नहीं मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं काम किया, वो कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, उल्टा सीधा करके बैठा रहता हूँ, जहाँ जो काम नहीं करने का उल्टा काम करेगा। मणिपुरी में इतना हादसा हुआ, अभी तक यहाँ जाकर हाजिर नहीं हुआ। उस दिन हमारा इंडिया को जाकर हरा दिया, यहाँ मैच में जाकर कोई जोड़ी था मैच देखने, जोड़ी था मैच में कहा इंडिया, इंडिया तो परफॉर्मेंस आ रही है। मणिपुरी में इतना मार हो रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा यहाँ का खबर नहीं लिया, आठ आठ घंटे तू मैच में जाके पनौती फैला के पूरा हमारा इंडिया को आ दिया। मैच में तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बोला, मैं उस दिन इतना रो रहा था, इनवाइट मैं उस दिन इतना रो रहा था, और उस दिन ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था। अरे भाई ऐसे अपनी हाथ से कब दिया है कोई अगले बंदे को। अच्छा ये बताओ क्या काम करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या काम नहीं किया और ये काम करना चाहिए। हमें हमारा जो गैस है, रोजगार है, ये सब हमारा चलना चाहिए। गैस का दाम बढ़ा हुआ, कभी इसका दाम बढ़ाता है, कभी चीनी का दाम बढ़ा जाता है, हर चीज़ का। यहाँ पे गैस 900-1250 रुपये का अभी घटाया, 900 रुपये हुआ है, जहाँ पे कांग्रेस का आया है 450 का गैस है। अच्छा
तो आप कह रहे महंगाई बढ़ा दी। हाँ महंगाई बहुत है भाई। अच्छा बहुत महंगाई है, इतना रोजगार ही नहीं है। अच्छा बहुत रोजगार नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा भाई। तो आप ये कह रहे हो कि अगली 2024 में जब चुनाव होगा तो राहुल गांधी की छवि आपको अच्छी लगी है और कांग्रेस आपको लगता है फिर से लाएंगे? हाँ फिर से लाएंगे भाई। हाँ और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमने रोजगार दिए हैं, हमने काम किया है, हमने ये बाजी कर रहा है। 15-15 लाख रुपए अभी तक किसी अकाउंट में घुसाया नहीं, 15 रुपए नहीं घुसाया और 15-15 लाख की बात कर रहा था वो, तो कहाँ से आएगा भाई? वो जुमला कर रहा है, वो तो फिर ये भी बात बोल रहा है हम ये तो जुमला है। अच्छा ये जुमलाबाजी करता है बस और कुछ नहीं। हमारा हिसाब से कांग्रेस आएगा। कांग्रेस बताओ पिछले 9 बरस में काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम चाय का जिक्र कर रहे हैं, चाय एक तरीके से फीकी है 9 साल की सरकार की या फिर मीठी है? ये देखो सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी है इस बार 2024 में कांग्रेस आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा क्योंकि कांग्रेस जो आने से है ना गरीबों का फायदा है। अच्छा कांग्रेस तो पिछले कई वर्षों से सरकार में थी तब गरीबों का फायदा नहीं हुआ। कम कमाई होता है लेकिन सुकून मिलता है। अच्छा सुकून कोई कुछ नहीं, आराम से कमाता है खाता है लोग रहता है। हमारा ये कहना है। तो बीजेपी ने काम नहीं किया? क्या काम किया हमारे लिए? तो कुछ किया ही नहीं। कम कांग्रेस ने क्या काम किया आपके लिए? बहुत काम किया है। क्या हमारे लिए? हर जगह जिस जगह में जाओ रोड घाट सब बना हुआ है। अच्छा अच्छा रोड बना हुआ है हर जगह में जा रहा रोड देखो सारे रोड बना हुआ है। अच्छा। अभी तो कोई नया रोड बना नहीं। अच्छा बनाया कोई रोड नहीं बनाया। मार्केट में देखो तो हाईवेज बन गए इतने, कहाँ आगरा एक्सप्रेसवे बन गया, ये बन गया वो बन गया। आप कह रहे ये कहने चाहते हैं लोगों तक पक्की सड़कें पहुंच गई गांव-गांव में। आप इस बार 2024 में कांग्रेस आएगा भाई ये कहना है। आप कह रहे 2024 में आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव किस दम पे जा रहे हैं? दे चलो ये चला आप ये भी चला के देख रहा कैसे चला रहा। हाँ। फिर अच्छा नहीं लगा फिर चेंज करेंगे। अच्छा सब मिलके। अच्छा नहीं तो सरकार तो कहती है हमने भैया गरीबों के खाते खोल दिए, हमने जीरो बैलेंस पे खाते खोल दिए, गैस दे दी, हमने घर घर बिजली पहुंचा दी, हमने रोजगार दे दिए। सरकार तो क्या कहती है? पब्लिक जिसको चाहेगा इसको होगा। बिल्कुल अभी पब्लिक के मुंह से सुना जा रहा है इस बार एक बार राहुल गांधी को चांस दिया जाए। राहुल गांधी को चांस दिया जाए इंडिया गठबंधन इंडिया। हाँ जी अच्छा बोला चांस दिया जाए तो क्यों? अच्छा राहुल गांधी में या फिर इंडिया गठबंधन में आपको क्या खासियत? लोगों का दिल में क्या है? लोगों आप अपना बताइए। हाँ लोग कुछ बोलते हैं राहुल गांधी को जिताना है। अच्छा इस बार देखो कांग्रेस को वोट मारना है। अच्छा सभी लोग जा है राहुल गांधी की अच्छाई बताइए। इसका अच्छाई है बंदा कोई ये नहीं है, सैंपल बंदा है, कभी भी मार्केट में भी आ सकता है, आता है हमारे पास बहुत बार आया है, इस पार्क में आता है कभी इधर आता है, लेकिन बड़ी बार हम लोग से मतलब मिलते हैं साथ बिल्कुल सिविल में आता है। और भाई अच्छा बस अच्छा मैं देखा हूँ भाई बहुत बार। और बीजेपी के नेताओं को नहीं देखा? नहीं अभी तो किसी को नहीं देखा हम आज तक नहीं देखा है, फोटो में देख रहा हूँ भाई। अच्छा बीजेपी के नेता ऐसे मिलने नहीं आते? मिलेगा नहीं कोई भी नहीं मिलता है भाई। और राहुल गांधी के साथ? राहुल गांधी मिल जाता है। अच्छा वो सैंपल में कभी भी पीछे से आके पकड़ लेता है। अच्छा और भाई पलट के देखो ये राहुल गांधी है। अच्छा बोला भाई अल्लाह मत करो भीड़ लग जाएगा। अच्छा इसका ये है इसीलिए हम लोग चाहते हैं इस बार हमारा प्रधानमंत्री यही बने। अच्छा इस बार प्रधानमंत्री यही। हाँ और भाई साहब ये बताओ रोजगार रोजगार मिला नहीं मिला? रोजगार के रोजगार मिलते तो पटरी में बैठ के चाय थोड़ी बेचते हैं। वो तो कह रहे हैं कि भैया पकौड़े वकौड़े तलो, आपने सुना होगा पिछले कई। अरे पकौड़े तलने वाले तो पता नहीं क्या कितने आए कितने चले गए, पकौड़े तल के क्या होगा, आज तक पढ़ाई लिखाई करके रोजगार नहीं मिला, पटरी में बैठ के चाय बेच रहा हूँ, ना चाय फीकी लग रहा है ना मीठी लग रहा है इस सरकार में। अच्छा। तो कोई नया आएगा कुछ तो करेगा, नया आएगा तभी कुछ काम दिखाएगा, पुराना रह के कोई काम नहीं। भाई कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, भाई साहब बताएं जरा क्या लग रहा है 2024 में बीजेपी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार आएगी क्यों, किस वजह से, क्या काम किया उन्होंने? बहुत काम किया बोलो, जैसे धारा 370 हटा दी। अच्छा। राम मंदिर का झगड़ा खत्म करवा दिया एकदम। अच्छा। रोज रोज लड़ाई झगड़े होते थे। अच्छा। हाईवे बनवा दिए, 15 एम्स बनवा दिए। अच्छा। और क्या बताऊँ आपको, उज्ज्वला से सिलेंडर मिल रहा है और ये एक वो एक ये यूपी में मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में एक वो है ना जिसे इलाज होता, कौन सी वो योजना है कोई यार नाम नहीं याद आ रहा, 5 लाख तक का इलाज होता है। एक योजना भी तो लागू कर रखी है। अच्छा सिलेंडर दे दिए फ्री में, हाईवे बन गए, लोन मिल रहा है। कि उन्होंने काम नहीं किया? काम उनके लिए जो पढ़ा लिखा है उसके लिए नौकरी है, जो हम अनपढ़ है हम अपना काम चला रहे खा पी रहे हैं। अच्छा। उसी लेवल का काम कर रहे हैं। अच्छा
भाई साहब ये तो कह रहे हैं तमाम काम कर दिए भारतीय जनता पार्टी। चलाइए लाइए, इन्होंने बोला दिल्ली के बारे के, दिल्ली में हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है ठीक है आंकड़ों में, लेकिन एक तो वो कह रहा दरभंगा एम्स बना दिया, दरभंगा में जहाँ एम्स का जिक्र करा था वहाँ तो खाली प्लॉट देखो, खाली प्लॉट भाई। आप इन भाई ने बोला, इनका नाम विक्रम भाई है, विक्रम नाम है, ये जुराब सप्लाई करता है, ठीक है इनका नाम बता देता हूँ मैं। अब आगे जो इन्होंने बोला कि फ्लाईओवर बना दिया सफदरजन का काम, जो इलाके चर्चा है उस इलाके में काम करने से हर कोई बंदा कहेगा काम क्या है। अरे ऐसे इलाके बनाओ ना जिस इलाके में झुग्गियाँ बना हुआ है, कॉलोनियाँ बना हुआ है, तुम ऐसे ऐसे इलाके में चले हो कि पानी की अभी भी किल्लत है, टैंकर जाता है पानी का, अच्छा। नाने के लाले पड़ता है, अच्छा। सिलेंडर का महंगाई कितना हो गया, अगर तेल का महंगाई करेंगे तो चीनी का घटाएंगे, तेल का अगर कम कराएंगे तो कह रहे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री करवा दिए। अगर इनको कुछ देता होगा, इनका जेब भरता होगा, तभी इन्होंने कह दिया कि बीजेपी जीतेगा। कोई किसी को नहीं देता, कमा के खाना है, जो देश के लिए सही है हम तो उसी को साथ। कौन सही है, कौन सही, जो अभी आपके सामने कौन चल रहा है यही सही है, यही सही है। किसको आना चाहिए, बीजेपी को, कांग्रेस आएगा, राहुल गांधी आएगा, कांग्रेस राहुल पप्पू है, उसे कुछ पता भी है क्या होता है, उसे बोलना नहीं आता, वो यहाँ अपने विदेश में जाके हमारी बेइज्जती करता है। भाई साहब आप राहुल कह रहे हैं, राहुल गांधी फेवरेट है आपके, ये कह रहे पप्पू बता रहे हो। देखो माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, जब कुर्सी पे बैठता है ना तो वो संभालना जानता है, जब कुर्सी पे बैठेंगे ना खुद से कुछ संभाल लेंगे। मोदी क्या पहले ऐसे ही डायरेक्ट आके बैठ के सीख गया था, आज को उसका साइन करना नहीं आता, उसके चेले चपटे काम करता है। पांच बार मुख्यमंत्री रहा तो प्रधानमंत्री बना है, और ये राजी ये क्या है, क्या है वो, पांच बार का मुख्यमंत्री तब जाके बने, ऐसे थोड़ी बने। और क्या मोदी साहब पांच बार मुख्यमंत्री रहे भाई, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि विदेशों में नाम रोशन करवा दिया भारत का। कौन नाम रोशन करा, इनसे पूछिए जरा, क्या क्या रोशन करवाया, विदेशों में भारत का डंका बजवा दिया कह रहे हैं। अच्छा डंका बुझवाया, कैसे बुझवाया, इनसे पहले सवाल कीजिए ना, इनसे पूरा सवाल कीजिए फिर इनका जवाब दूंगा ना मैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक बात बताओ ना साहब, आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 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 जो काम आप गिना रहे, क्या वाकई में जिन 15 एम्स का जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री भी और तमाम लोग एम्स का जिक्र करते हैं, जो मैंने अभी बताया दरभंगा एम्स का उन्होंने जिक्र करा, जब उसको रियलिटी चेक किया गया तो वहाँ एक सपाट पड़ी हुई है जमीन दरभंगा एम्स के नाम से, तो वो क्या है, 15 बोले, 15 में कुछ तो बने होंगे, 10 तो बने होंगे, 8 बने होंगे, 6 बने होंगे, कुछ तो बने होंगे, एक भी नहीं बने, मैं पूछ रहा हूँ मुझे इसकी जानकारी। नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो नहीं जिस बात का जिक्र करते हैं ना रैलियों में करते हैं, उसमें से एक उन्होंने दरभंगा एम्स का जिक्र करा था, जब रिपोर्टर्स या तमाम लोग हम लोग गए वहाँ पर तो वहाँ सपाट जमीन पड़ी हुई है, वो इसलिए कहा जाते हैं, इसलिए कहा तो क्यों दम भरा जा रहा है कि एम्स बना दिया आपने, वो जो घोषणा तो कर दी ना अगले ने, बनेगा बाकी कुछ तो किया होगा, कि एम्स बन गया है वहाँ पर, तैयार हो गया है दरभंगा में और वहाँ पर सपाट जमीन पड़ी हुई है, तो आप बताइए ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो आपको लगता है कि ये जनता से झूठ बोला जा रहा है, आप लोगों से झूठ, आप कह रहे 15 एम्स का तो झूठ नहीं बोला, घोषणा जो बता रहे हैं हमने बता दिया आपको, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, आपका कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो काम सरकार कर रही है आपको लग रहा है वो जमीन स्तर पर हुए हैं काम जिनका दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, भैया हो तो रहा है धीरे धीरे सही। अच्छा अच्छाइयाँ आप मुझे गिना दीजिए, 5 अच्छाइयाँ इस 9 साल के कार्यकाल की मोदी सरकार की, 5 अच्छाइयाँ बताई तो थी, हाँ आपने एम्स एक धारा 370 हटा दी, ठीक, और ये हाईवे बन रहे हैं, कितने किलोमीटर रोज हाईवे बन रहे हैं, ठीक, और ये राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, ठीक, त्रिवर तलाक का खत्म कर दिया, हलाला खत्म कर दिया, हलाला तलाक खत्म कर दिया ना, और ये क्या 4 हो गए, अच्छा एम्स का बताई दिया, वही मैं वही कह रहा हूं, ये तो ये काम है, ये काम थोड़ी ना, क्या ये काम है, क्या ये बताएगा, बताओ इसको, बता ये काम नहीं है, ये काम सबमिट करवा दिया यहाँ पे वर्ल्ड में, G20 सबमिट, काम 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 क्या हुए, जो जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो आप लोगों के खाते में घर घर किसानों को फ्री में राशन मिल रहा है, अभी तक राशन मिल रहा है, अभी तक राशन मिल रहा है,